नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? देखिए ये किया गया था 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए जो पुष्यमित्र है वो सुंग वंश के संस्थापक थे। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? रबर उत्पादन में अग्रणी देश है वो है थाईलैंड। देखिए जो थाईलैंड है वो सब सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? ये है जम्मू कश्मीर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने का निर्धारण समय क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने का निर्धारण समय क्या है? तो ये 52 सेकंड है। 52 सेकंड राष्ट्रीय गान गाने का निर्धारण समय जो कि भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील का कहाँ स्थित है? देखिए राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील भोपाल में स्थित है। राजा भोज के द्वारा बनाई गई विशाल झील है वो है भोपाल में। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी था गजनी का शासक। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम था गोड़। बंगाल का प्राचीन नाम था गोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है राजस्थान। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो है राजस्थान। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त स्रावित होता है। पित्त देखिए यकृत से स्रावित होता है। पित्त होता है जो यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया गया कार्बोहाइड्रेट है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया गया दिया जाता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। एथलीट यानी खिलाड़ी को जो तुरंत के तुरंत ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके रूप में? देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो दिया जाता है ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, देखिए चाय का करता है भारत सर्वाधिक निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है तो जो नाग है, नाग मिसाइल भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिगो गार्सिया किस महासागर द्वीप है? डिगो गार्सिया, देखिए जो डिगो गार्सिया है वो किस महासागर द्वीप में है? तो वो है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जो जल विवाद है वो किन किन राज्यों से संबंधित है? तो फ्रेंड, जो तमिलनाडु कर्नाटक राज्य है, जो कावेरी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश का सर्वाधिक किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना है? देखिए जिप्सम है, मिस्र देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज करने के लिए धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, वो किस धातु की चढ़ाई जाती है? जस्ता की चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? देखिए क्षेत्रीय सहयोग से प्रारंभ किया गया था सार्क सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं UNHCR संस्था संस्थापित है। देखिए UNHCR संस्था संबंधित है, देखिए ये है शरणार्थियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो ये है नगेंद्र सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था। देखिए, जो कुतुब मीनार की नींव डाली थी, कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये इल्तुतमिश ने इसका जो कार्य है वो संपूर्ण यानी पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि बाबर का निधन, हुमायूं द्वारा कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव पराजित 1530 ईस्वी में हुआ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबर का निधन हुमायूं द्वारा कालिंजर शासक रुद्रदेव पराजित किया, यानी 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ। चौसा की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ, ये हुआ था 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिलग्राम की लड़ाई, यानी बिलग्राम बोले तो कन्नौज, बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित, शेरशाह का शासन प्रारंभ 1540 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ, हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा कब हुआ, तो ये हुआ था 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की पराजित मुगल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों पराजित हुआ, यह हुआ था 1556 में। नेक्स्ट देखते कि अकबर ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर हटाया, अकबर ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर हटाया, तो ये हटाया था 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि युवा युम्बा सॉरी थुम्बा में अंतरिक्ष युवान एवं प्रौद्योगिक केंद्र की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1565 में। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरोप में आल्पस उत्तरी अमेरिका में राकिए दक्षिण अमेरिका में एंडीज किस पर्वत के उदाहरण है, देखिए ये बलित पर्वत के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूरी स्थित जगन्नाथ को किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो ये बनवाया था गंग वंश के, पूरी गंग वंश के शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि अन्त्योदय का विचार किसने किया था, देखिए ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी, ये हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, तो ये था फ्रांस का। लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है, हेमावती नदी है कावेरी नदी की। नेक्स्ट देखते हैं कि सह्याद्री पर्वत राज्य में स्थित है, सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र में है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए थे, और आपके एग्जाम में आने की बहुत ही बहुत चांस रहते हैं। तो जय हिंद जय भारत।